गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो एंड माय चैनल इन द लेक्चर सीरीज ऑफ सेल बायोलॉजी टुडे आई विल डिलीवर माय टॉक ऑन राइबोसोम मायसेल्फ डॉक्टर के सी सोनी एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू एफिलिएटेड टू महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी आज की इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में राइबोसोम की स्ट्रक्चर राइबोसोम का केमिकल कंपोजिशन और राइबोसोम्स के द्वारा संपादित होने वाले फंक्शंस पे मैं आपसे चर्चा करूँगा सो टुडे आई विल डिलीवर माय टॉक ऑन राइबोसोम तो आज की इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में राइबोसोम पे आपसे मैं चर्चा करूँगा राइबोसोम क्या है राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं राइबोसोम की स्ट्रक्चर कैसी होती है राइबोसोम का केमिकल मेकअप कैसा होता है अब राइबोसोम को सेल की प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में भी जाना जाता है सेल के जितने भी ऑर्गेन हैं उन सबको कोई ना कोई निकनेम दिया जाता है जैसे गॉल्जी बॉडीज को सेल का ट्रैफिक पुलिस जैसे नाम दिया लाइसोसोम को सेल का सुसाइड बैग का नाम दिया इसी तरह राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है क्योंकि सेल में प्रोटीन सिंथेसिस का इसका मुख्य कार्य होता है और राइबोसोम में कोई सेल मेम्ब्रेन्स नहीं पाई जाती है बाकी के ऑर्गेनेल्स में आपने देखा गॉल्जी बॉडी में सेल मेम्ब्रेन है अंतःप्रद्ध जालिका में मेम्ब्रेन है लाइसोसोम में मेम्ब्रेन है गॉल्जी बॉडीज में मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया में मेम्ब्रेन है केंद्रक में झिल्ली होती है लेकिन राइबोसोम में कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है और सेल मेम्ब्रेन नहीं होने के कारण इसको राइबोन्यूक्लियो पार्टिकल्स के रूप में या राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन्स के रूप में या सेल इंक्लूजन के रूप में सेल पार्टिकल के रूप में भी इसको काउंट करते हैं और शॉर्ट में इसको RNP RNP मीन्स राइबोन्यूक्लियो पार्टिकल्स या राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन्स और इसमें जो RNA होता है वो मेनली राइबोसोमल RNA होता है सेल में तीन तरह के RNA होते हैं मैसेंजर RNA ट्रांसफर RNA RNA तो राइबोसोम की फॉर्मेशन में RNA प्लस प्रोटीन्स इन दोनों की असेंबली के कारण इसकी फॉर्मेशन होती है अब इसका जो हिस्टोरिकल पार्ट है सबसे पहले क्लॉड साइंटिस्ट थे क्लॉड और क्लॉड ने सबसे पहले इनका ऑब्जर्व किया था और इन्होंने इसका नाम माइक्रोसोम रखा क्योंकि क्लॉड को यह मालूम नहीं था कि इसके केमिकल कंपोजिशन में RNA प्रेजेंट होता है क्या लेकिन इनकी आकृति छोटी होती है छोटी आकृति के कारण इन्होंने इसको माइक्रोसोम का नाम दिया इसके बाद रॉबिन्सन और ब्राउन दो साइंटिस्ट थे रॉबिन्सन और ब्राउन इन्होंने राइबोसोम को सेम के बीज की कोशिकाओं में इसको ऑब्जर्व किया ही ऑब्जर्व्ड द राइबोसोम इन बीन सेल्स और राइबोसोम शब्द जो है ये जॉर्ज पैलेट ने प्रतिपादित किया जॉर्ज पैलेट परपोज द टर्म राइबोसोम तो ये तीन मेन साइंटिस्ट हैं जो राइबोसोम की टर्मिनोलॉजी इसके हिस्टोरिकल पार्ट इसके डिस्कवरी पार्ट्स के साथ ये रिलेटेड है अब इसकी जो प्रेजेंस है क्योंकि जनरली प्रोकैरियोट यूकैरियोट के डिफरेंस में अपन देखा कि मैक्सिमम सेल ऑर्गेन्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोट में एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट में गॉल्जी बॉडीज एब्सेंट है ER एब्सेंट है लाइसोसोम एब्सेंट है लेकिन राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है तो इट इज़ प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट एज वेल एज इन यूकैरियोट हालांकि इनकी जो टाइप जो है सेडिमेंटेशन टाइप उसके आधार पर प्रोकैरियोट के जो राइबोसोम हैं उनको 70S के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है 70S के रूप में यूकैरियोट के जो राइबोसोम हैं उसको 80S के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है इसलिए ये राइबोसोम की दो मेन टाइप भी हो गई है 70S और 80S 70S ऐसे ये प्रोकैरियोट का राइबोसोम है 80S जो है ये यूकैरियोट का राइबोसोम है इसलिए राइबोसोम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट
दोनों के अंदर ही पाया जाता है। अब क्वेश्चन है कि एक सेल में राइबोसोम की संख्या कितनी होगी या कितनी होनी चाहिए। हाँ, अब इसमें बेसिक कंसेप्ट ये है कि जिस सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होता है, जो सेल मेरिस्मेटिक टाइप की होती है, जिस सेल्स के अंदर सेल डिवीजन बहुत फास्ट है, और कई बार कैंसर सेल्स, इनके अंदर राइबोसोम की संख्या ज़्यादा मिलेगी। जो कोशिकाएं वसा का संश्लेषण करती हैं, जो सेल इनएक्टिव प्रकार की है, जो सेल इनर्ट प्रकार की है, जिस सेल में सेल डिवीजन की रेट बहुत मंदी है, उसके अंदर राइबोसोम की संख्या प्राय कम देखने को मिलती है। तो यहाँ पर नंबर के पीछे एक कंसेप्ट हो सकता है कि सेल मेम्ब्रेन नंबर ऑफ राइबोसोम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी उस कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण की दर कितनी है, उसके अकॉर्डिंग राइबोसोम की संख्या कोशिका के अंदर देखने को मिलेगी। इसके अलावा उस कोशिका में राइबोसोमल आरएनए की मात्रा कितनी है, यदि सेल में आरएनए की मात्रा यदि ज़्यादा है तो डेफिनेटली उस सेल्स के अंदर राइबोसोम की संख्या भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये कि नॉर्मल निष्कर्ष है, नॉर्मल कंक्लूजन है, नंबर ऑफ राइबोसोम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन दैट सेल। और एक लेशन हो सकता है, नंबर ऑफ राइबोसोम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ आरआरएनए। इसके बाद में इसका आकार और आकृति, शेप एंड साइज, अब इसके आकार और आकृति के बारे में, जैसे मैपल लीफ जो होती है उसके जैसे इसकी आकृति होती है, मैपल की जो पत्तियां होती है, मैपल प्लांट की, ये जनरली कश्मीर साइड में ठंडे इलाकों का प्लांट है, और इस पौधे की जो पत्तियां होती है उस पत्तियों की जैसी आकृति होती है इसकी, इसलिए इसका एक मैपल लीफ मॉडल भी है। इसके अलावा आरामदायक जो गद्दीदार कुर्सी होती है, चेयर, उस चेयर से मिलता जुलता भी इसका मॉडल है। तो चेयर मॉडल भी मैं आपसे शेयर करूंगा जब इसकी डिटेल स्ट्रक्चर जब मैं आपसे बताऊंगा। तो प्रोकैरियोट का जो राइबोसोम होता है इसका डायमीटर होता है लगभग 18 नैनोमीटर। प्रोकैरियोट के राइबोसोम का डायमीटर 18 नैनोमीटर, और यूकैरियोट का जो राइबोसोम होता है इसका साइज होता है लगभग 22 नैनोमीटर। तो ये एक रफली आइडिया है, इट मीन्स प्रोकैरियोट के जो राइबोसोम होंगे ये आकार में छोटे होते हैं, और यूकैरियोट के जो राइबोसोम हैं ये आकार में थोड़े बड़े होते हैं। तो ये इसके कुछ जनरल चीज़ें हैं। कॉमन नेम इसका प्रोटीन फैक्ट्री हो गया, ये इसका हिस्टोरिकल पार्ट हो गया जिसमें तीन साइंटिस्ट हैं, क्लॉड ने इसको माइक्रोसोम का नाम दिया, रॉबिन्सन और ब्राउन ने इसमें सेम बीन की जो सेल है उसके अंदर इसको ऑब्जर्व किया, पैलेट ने राइबोसोम टर्म प्रपोज किया, और संख्या के बारे में कंक्लूजन है, आकार और आकृति के बारे में डाटा है। अब इसमें जो बेसिक जो है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, अब प्रोकैरियोट का जो राइबोसोम है इसको 70S के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, यूकैरियोट का जो राइबोसोम है इसको 80S के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इज 70S और यूकैरियोटिक राइबोसोम इज 80S। अब इन दोनों राइबोसोम की संरचना लगभग सेम होती है, शेप और साइज अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो बेसिक जो आर्किटेक्चर है वो दोनों राइबोसोम का सेम है, चाहे वो प्रोकैरियोट का हो चाहे यूकैरियोट का हो। इन दोनों राइबोसोम में एक छोटी यूनिट होती है, स्मॉल सब यूनिट, एक बड़ी सब यूनिट होती है, यानी राइबोसोम इज मेड अप ऑफ टू सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट। अब इसके अंदर जो बेसिक जो डिफरेंस है, फंडामेंटल डिफरेंस, वो मैं आपसे जैसे शेयर करूँगा। प्रोकैरियोट का जो राइबोसोम है इसकी साइज है 18 नैनोमीटर, यूकैरियोट का जो राइबोसोम है
इसकी साइज होती है 22 नैनोमीटर। प्रोकैरियोट के राइबोसोम का अणुभार मॉलिक्युलर वेट ये होता है 2.5 × 10^6, यानी प्रोकैरियोट के राइबोसोम का अणुभार 2.5 × 10^6 और यूकैरियोट के राइबोसोम का अणुभार होता है 4 × 10^6। तो प्रोकैरियोट के राइबोसोम का अणुभार कम है, यूकैरियोट के राइबोसोम का अणुभार ज़्यादा है। इसके अलावा दोनों में छोटी इकाई मिलेगी, स्मॉल सब यूनिट है, जो कि प्रोकैरियोट में होती है 30S, 30S, और यूकैरियोट में छोटी इकाई होती है 40S, स्मॉल यूनिट इज 40S। तो प्रोकैरियोट की छोटी इकाई 30S के नाम से जानी जाती है, यूकैरियोट की छोटी इकाई 40S के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर S का अर्थ है सेडिमेंटेशन कांस्टेंट या सेडिमेंटेशन कॉफिशियंट या स्वेदवर्ग नियतांक। साइंटिस्ट हैं स्वेदवर्ग, उन्होंने इस वैल्यू को कैलिबर किया था। तो जिन रचनाओं का अणुभार कम होता है इसका मतलब उसकी S वैल्यू भी कम होती है, जिनका अणुभार ज़्यादा है इट मीन्स उसकी S वैल्यू भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर छोटी इकाई का अणुभार है ये 30S है, स्मॉल यूनिट को 30S के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे और यूकैरियोट की छोटी इकाई को 40S के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें जो अणुभार होगा छोटी इकाई का, छोटी इकाई का जो अणुभार है ये होता है लगभग 1 × 10^6, 1 × 10^6 है, और यूकैरियोट की जो छोटी इकाई होती है इसका अणुभार होता है लगभग 1.3 × 10^6। इसके अलावा राइबोसोम की जो छोटी इकाई होती है इसमें आरएनए की वैल्यू होती है 16S, 16S आरआरएनए, और यूकैरियोट की छोटी इकाई में जो आरएनए होता है इसकी वैल्यू होती है 18S आरआरएनए। तो प्रोकैरियोट के राइबोसोम में जो आरएनए है वो 16S प्रकार का है और यूकैरियोट के छोटी इकाई में जो आरएनए है वो 18S प्रकार का है। इसके अलावा प्रोकैरियोट की जो छोटी इकाई होती है इसमें लगभग 21 प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, 21 टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन स्मॉल यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। और यूकैरियोट की जो छोटी इकाई होती है इसमें लगभग 30 प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, हर प्रोटीन का अलग अलग फंक्शंस हैं, अलग अलग उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, अलग अलग उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा बड़ी इकाई जो है, छोटी इकाई के बाद में बड़ी इकाई लार्ज सब यूनिट, तो प्रोकैरियोट में जो बड़ी इकाई होती है इसको रिप्रेजेंट करते हैं 50S के द्वारा, 50S के द्वारा, और यूकैरियोट में जो बड़ी इकाई होती है इसको रिप्रेजेंट करते हैं 60S के द्वारा। इसलिए प्रोकैरियोट की बड़ी इकाई 50S होगी और यूकैरियोट की बड़ी इकाई 60S होगी। अब आप देख रहे हो दोनों ही राइबोसोम में दो दो यूनिट होगी है, एक तो स्मॉल सब यूनिट, दूसरी होगी लार्ज सब यूनिट। तो प्रोकैरियोट में छोटी इकाई है वो तो 30S है, बड़ी इकाई जो है ये 50S है। इसी तरह यूकैरियोट के अंदर जो छोटी इकाई है ये 40S है और यूकैरियोट की जो बड़ी इकाई है ये 60S है। अब यूकैरियोट की जो बड़ी इकाई है इसका अणुभार होता है 1.8 × 10^6, ये प्रोकैरियोट की बड़ी इकाई का मॉलिक्युलर वेट है, और यूकैरियोट की जो बड़ी इकाई है इसका मॉलिक्युलर वेट होता है लगभग 2.7 × 10^6। अब
प्रोकैरियोट की जो बॉडी का ही है, इसके अंदर दो तरह के आरएनए पाए जाएंगे। एक तो होता है 5S आरआरएनए, एक होता है इसमें 23S आरआरएनए। तो प्रोकैरियोट के राइबोसोम की बड़ी काई में दो तरह के आरएनए आपको देखने को मिलेंगे, एक तो 5S एक 23S। और यूकैरियोट की जो बड़ी काई होती है इसके अंदर आरएनए एक तो होता है 5S आरआरएनए, एक होता है इसमें 28S आरआरएनए, और इसके अलावा एक और होता है 5.8S आरआरएनए। क्योंकि यूकैरियोट के राइबोसोम का एक आरएनए जो होता है वो साइटोप्लाज्म में संश्लेषित होता है, बाद में इनकी असेंबली हो जाती है। प्रोकैरियोट का जो राइबोसोम है इसमें लगभग 34 प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, 34 प्रोटीन्स। और यूकैरियोट का जो राइबोसोम होता है इसमें लगभग 40 प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, 40 प्रोटीन्स। अब प्रोकैरियोट का जो राइबोसोम है इसमें आरएनए और प्रोटीन का जो रेशियो होगा ये होता है 2:1। तो आरएनए वर्सेस प्रोटीन, ये रेशियो होता है इसमें 2:1। यानी प्रोकैरियोट के राइबोसोम में प्रोटीन की तुलना में आरएनए की मात्रा डबल है, जबकि यूकैरियोट के राइबोसोम में ये रेशियो होता है 1:1, 1:1। तो ये कुछ फंडामेंटल डिफरेंस हैं प्रोकैरियोट के राइबोसोम और यूकैरियोट के राइबोसोम में। अब इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें मैं चर्चा करूँगा, बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक आर्किटेक्चर। तो राइबोसोम की जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर अभी मैंने बताया इसके अंदर दो इकाइयाँ पाई जाती है, या इट इज़ मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स। छोटी इकाई जो होगी इसको तो स्मॉल सब यूनिट बोलेंगे, और बड़ी इकाई जो होती है इसको लार्ज सब यूनिट के नाम से जाना जाता है। अब इन दोनों ही इकाइयों की रचना जो है वो अलग अलग तरह की है। स्मॉल सब यूनिट जो होती है इसके अंदर गोलाकार हेड पाया जाता है और बड़े आकार की इसमें बॉडी होती है। दिस स्ट्रक्चर इज हेड, दिस स्ट्रक्चर इज बॉडी। और इन दोनों के बीच में खांच है। तो प्रोकैरियोट का राइबोसोम है उसमें भी छोटी इकाई इस तरह की होगी, और यूकैरियोट का जो राइबोसोम है उसमें भी छोटी इकाई इस तरह की होगी, केवल साइज का डिफरेंस होगा। प्रोकैरियोट की साइज छोटी होगी, यूकैरियोट की छोटी इकाई बड़ी होगी, लेकिन दोनों में हेड मिलेगा, बॉडी मिलेगी, और हेड और बॉडी के बीच में एक हल्की सी खांच होती है। जिस तरह अपने बॉडी में जैसे हेड है, थोरेक्स है, इसके बीच में जैसे गर्दन है। अब बड़ी इकाई जो होती है इसकी रचना होती है कुर्सी के जैसी या मैपल लीफ के जैसी। अब कुर्सी में जैसे आप देखते हो कुर्सी के अंदर जैसे हत्ता है, जैसे पीठ होती है, पीछे पीठ होती है, नीचे बैठने के लिए सीट होती है, दोनों तरफ जैसे हत्ते होते हैं। अब ये चेयर तो जैसे बिना हत्ते की है, लेकिन चेयर के अंदर पीछे जैसे पीठ है, नीचे वॉल्टेड सीट है, दोनों तरफ जैसे आर्म है, हत्ते हैं, उसी तरह की रचना इस राइबोसोम की बड़ी इकाई की होती है। और इसको जैसे बड़ी इकाई को मैं रेड कलर में जैसे दिखा रहा हूँ, ये जैसे बड़ी इकाई की पीठ, इसको चेयर की पीठ के समान अपन मान सकते हैं। ये साइड के अंदर भुजाएं होगी, आर्म। ये पीछे की पीठ होगी, आर्म पीठ।
और ये बैठने की जो सीट होती है इसको बोलेंगे वॉल्टेड सीट। तो कुर्सी में जैसे तीन पार्ट है, पीछे इसके अंदर पीठ है, साइड में इसमें भुजाएं हैं और बैठने के लिए वॉल्टेड सीट है। अब छोटी काई जो होती है वो इस बड़ी काई के लंबवत प्रेजेंट होती है, यानी जो स्मॉल यूनिट है वो लार्ज यूनिट के परपेंडिकुलर प्रेजेंट है। अब इस तरह के अरेंजमेंट के कारण क्या होगा, ये छोटी काई और बड़ी काई इन दोनों के बीच में एक टनल बन जाती है और इस टनल के अंदर मैसेंजर आरएनए जो होता है वो प्रोटेक्टेड रहता है। तो छोटी काई और बड़ी काई के संयोजन के कारण छोटी काई और बड़ी काई दोनों के बीच में एक खांच बन जाती है, एक टनल बन जाती है और प्रोटीन सिंथेसिस के समय इस टनल में मैसेंजर आरएनए है वो प्रेजेंट होता है। अब इस टनल का फ़ायदा क्या होगा, मैसेंजर आरएनए जो होते हैं ये एक्सोन्यूक्लिएज एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम के द्वारा डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। अदरवाइज तो क्या होता है, डीएनए से जो एमआरएनए बना इसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है और यूकैरियोट में तो प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसक्रिप्शन के लगभग 2 घंटे 3 घंटे बाद में होता है, लेकिन ये जब एमआरएनए दोनों राइबोसोम के बीच में टनल में जब आ गया, अब ये एमआरएनए एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम के द्वारा डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, यानी इस एमआरएनए की सर्वाइवल वैल्यू है, इसकी जो उत्तरजीविता है, इसकी जो हाफ लाइफ है, अर्धायु है, वो बढ़ गई है। इसके अलावा इस बड़ी काई में तीन इम्पॉर्टेंट पॉइंट और पाए जाते हैं, तीन साइट और पाई जाती है, जिसमें एक तो होती है ए साइट, ए फॉर एसेप्टर। इसी के पास में एक होती है पी साइट, पी फॉर पेप्टिडाइल या पी फॉर प्रोटीन, और इसी के पास में एक साइट और होती है उसको बोलते हैं ई साइट। एक अर्थ है एग्जिट, यानी बाहर निकलने का रास्ता। तो सेल में जब प्रोटीन सिंथेसिस जब होता है तो टीआरएनए नए एमिनो एसिड्स को लेकर आता है और वो इस एसेप्टर साइट पर जुड़ता है। अब ये राइबोसोम ए कोडोन जब शिफ्ट होगा तीसरे सिरे की तरफ, तब ए साइट का जो टीआरएनए होता है वो जंप लगा के पी पे आ जाता है और पी और ए के एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद में पी साइट का जो टीआरएनए होता है वो फ्री हो जाता है और ये टीआरएनए इस एग्जिट छिद्र के द्वारा सेल के बाहर नहीं निकलेगा, राइबोसोम के बाहर निकल जाता है। तो राइबोसोम के बड़ी यूनिट में ये तीन इंपॉर्टेंट रिसेप्टर साइट है, ए साइट, पी साइट, ई साइट। तो ये एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है एक राइबोसोम का। तो इस राइबोसोम इज मेड अप ऑफ टू सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट। इन प्रोकैरियोट स्मॉल सब यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बाई 30S एंड लार्ज सब यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बाई 50S, वाइल इन केस ऑफ यूकैरियोट्स स्मॉल सब यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बाई 40S एंड लार्ज सब यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बाई 60S। स्मॉल सब यूनिट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, हेड एंड बॉडी। हेड एंड बॉडी आर सेपरेटेड बाई ए स्मॉल इंडेंटेशन और ए स्मॉल क्लेफ्ट। एंड लार्ज सब यूनिट रिप्रेजेंट 3 main areas और 3 main zone, इन बैक साइड बैक फिट और आर्म पिट, ऑन लेटरल साइड आर्म्स, एंड एट बेसमेंट इट इज रिप्रेजेंटेड बाई वॉल्टेड सीट। एंड स्मॉल सब यूनिट परपेंडिकुलरली अरेंज टू लार्ज सब यूनिट। तो राइबोसोम की छोटी काई जो होती है वो बड़ी काई के लंबवत रूप में उपस्थित होती है और लंबवत रूप में प्रेजेंट होती है तो इनके बीच में एक टनल बन जाती है, एक सुरंग बन जाती है और इस सुरंग में मैसेंजर आरएनए जो होता है वो सुरक्षित रहता है, इसकी हाफ लाइफ बढ़ जाती है। और बड़ी यूनिट में ये तीन रिसेप्टर पॉइंट हैं, ए साइट, ए फॉर रिसेप्टर, पी साइट, पी फॉर पेप्टाइड और ई साइट,
ई फॉर एग्जिट। तो ये एक राइबोसोम का बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसके दो पार्ट मैं और आपसे चर्चा करूँगा, एक तो इस राइबोसोम की केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन में आपको मैंने बताई दिया कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज RNP, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स और राइबो न्यूक्लियो पार्टिकल्स। तो इसके केमिकल कंपोजिशन में RNA मिलता है और प्रोटीन्स मिलती है। तो यहाँ पर RNA कौन कौन से हैं ये मैंने इस टेबल में रिप्रेजेंट कर दिए हैं, और प्रोटीन कितने हैं। लेकिन इसका जो और जो फर्दर जो क्लासिफिकेशन है, क्लैरिफिकेशन है, वो मैं केमिकल कंपोजिशन में आपसे शेयर करूँगा। और साथ में राइबोसोम की उत्पत्ति कैसे होती है, कि सेल में जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनकी ओरिजिन होती है, है जैसे गोल्जी बॉडीज़ को आपने देखा कैसे बन रही है, ER को आपने देखा कैसे बन रहा है, लाइसोसोम को आपने देखा कैसे बन रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनता है ये आपने देखा। उसी तरह सेल में राइबोसोम कैसे बनता है, तो बायोजेनेसिस ऑफ राइबोसोम या ओरिजिन ऑफ राइबोसोम, उस पर भी मैं फ्लो चार्ट के माध्यम से, डिटेल में नहीं जाऊँगा, बहुत ही एक छोटे फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं आपसे शेयर करूँगा। और लास्ट में फिर इसके द्वारा संपादित होने वाले कार्य। अब चूंकि राइबोसोम का एक ही मेन फंक्शन होता है सेल में प्रोटीन सिंथेसिस करना, तो प्रोटीन सिंथेसिस पे अलग से डिटेल लेक्चर में आपको डिलीवर करूँगा। लेकिन यहाँ पर बहुत ही संक्षेप में राइबोसोम से प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, तो इसके दो पहलू अभी मैं और आपसे शेयर करूँगा। अब राइबोसोम का सेकेंड पार्ट, दैट इज़ केमिकल कंपोजिशन या राइबोसोम का रासायनिक संगठन। हाँ, अभी मैंने बताया कि राइबोसोम को जनरली RNP के नाम से जाना जाता है, राइबोन्यूक्लियो पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। और इसका जो मेन जो केमिकल मेकअप है उसमें दो ही तरह के मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। एक तो इसके अंदर RNA होता है, फर्स्ट कंपोनेंट इज RNA, और सेकंड कंपोनेंट इसमें होता है प्रोटीन। तो इट इज़ मेड अप ऑफ RNA एंड प्रोटीन। अब इसमें जो RNA है वो मेनली राइबोसोमल RNA ही होता है, इसके अंदर mRNA, tRNA ये नहीं पाए जाएंगे। इट इज़ जनरली मेड अप ऑफ RRNA, राइबोसोमल RNA। अब ये RRNA कई प्रकार के हैं, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया। RRNA जो छोटी यूनिट में कौन से मिलते हैं, बड़ी यूनिट में कौन से मिलते हैं, तो एक बार मैं फिर इसे आपको शेयर कर देता हूँ। स्मॉल सब यूनिट में कौन से RNA हैं और लार्ज सब यूनिट के अंदर कौन से RNA हैं। अब छोटी इकाई में जैसे दो तरह के RNA हैं, एक तो 16S, ये तो मिलेगा प्रोकैरियोट के राइबोसोम में, इसको हम शॉर्ट में PR लिख रहा हूँ, PR मीन्स प्रोकैरियोट। और अठारह S जो RNA होता है ये मिलता है यूकैरियोटिक राइबोसोम में, इसको मैं EU के नाम से लिख रहा हूँ। तो राइबोसोम की छोटी इकाई में 16S RRNA है प्रोकैरियोट की, और यूकैरियोट की छोटी इकाई में 18S RNA है। इसके अलावा बड़ी जो यूनिट है, इस बड़ी यूनिट के अंदर जैसे RNA होता है, एक तो 5S RRNA, 5.8S RRNA, 23S RRNA और 28S RRNA। अब इसमें 5S RNA जो होता है ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है। 5.8S जो RNA होता है ये प्रोकैरियोट में नहीं मिलता है, केवल यूकैरियोट में पाया जाता है। और 23S RNA जो होता है ये केवल
प्रोकैरियोट में पाया जाता है, यूकैरियोट में नहीं पाया जाता है। और 28S आरआरएनए जो होता है ये केवल यूकैरियोट में पाया जाता है, प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता है। इसलिए प्रोकैरियोट की बड़ी यूनिट में आप देख रहे हो दो ही तरह के आरआरएनए प्रेजेंट है, एक तो 5S एक 23S। लेकिन यूकैरियोट की जो बड़ी इकाई है इसके अंदर तीन तरह के आरएनए हैं, एक तो 5S आरआरएनए, दूसरा हो गया 5.8S आरआरएनए और तीसरा हो गया 28S आरआरएनए। लेकिन यूकैरियोट में एक जो आरएनए होता है इसकी सिंथेसिस अलग तरह से होती है, उसके जीन अलग तरह के हैं। इनके बायोजेनेसिस के बारे में भी आपसे चर्चा करूँगा। इसके अलावा सेकेंड जो कंपोनेंट है इसमें प्रोटीन्स, प्रोटीन्स हाँ, अब प्रोटीन्स में भी मैं क्लासिफाई कर देता हूँ। जैसे राइबोसोम की छोटी इकाई, राइबोसोम की बड़ी इकाई। अब राइबोसोम की जो छोटी इकाई है इसमें प्रोकैरियोट के अंदर 21 प्रकार के प्रोटीन्स मिलेंगे, प्रोकैरियोट के अंदर 21 प्रकार के प्रोटीन्स मिलेंगे। और यूकैरियोट की जो छोटी इकाई है इसके अंदर 30 प्रकार के प्रोटीन्स मिलेंगे। इसी तरह बड़ी इकाई में, प्रोकैरियोट की जो बड़ी इकाई है इसके अंदर 34 प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। और यूकैरियोट की जो बड़ी इकाई होती है इसके अंदर 40 प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अब ये जो प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स भी दो तरह के हैं, एक तो होते हैं प्राइमरी बाइंडिंग प्रोटीन्स, एक होते हैं सेकेंडरी बाइंडिंग प्रोटीन्स। सेकेंडरी बाइंडिंग प्रोटीन्स की उत्पत्ति या इनकी रिलीजिंग तब होती है जब राइबोसोम की दोनों यूनिट डिसोसिएट होती है। जब राइबोसोम की दोनों यूनिट आपस में जुड़ी है उसमें सेकेंडरी बाइंडिंग प्रोटीन्स निर्मुक्त तो नहीं होंगे, लेकिन जब छोटी काई और बड़ी काई दोनों जब रिलीज होती है उसमें सेकेंडरी बाइंडिंग प्रोटीन जो होते हैं वो निर्मुक्त तो होते हैं। इसके अलावा इसमें जितने भी प्रोटीन्स हैं राइबोसोम्स में इनको जनरली फैक्टर्स के नाम से जाना जाता है, दे आर कॉल्ड एज फैक्टर्स। और ये फैक्टर फंक्शन की बेसिस पे इनका फिर क्लासिफिकेशन हो सकता है। जैसे प्रोटीन सिंथेसिस तीन पदों में संपन्न होगा, चैन इनिशिएशन, चैन इलोंगेशन, चैन टर्मिनेशन। तो वे प्रोटीन जो इनिशिएशन, प्रोटीन सिंथेसिस के इनिशिएशन में पार्टिसिपेशन करते हैं उनको IF के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। IF मीन्स इनिशिएशन फैक्टर। जो प्रोटीन सिंथेसिस के इलोंगेशन में भाग लेते हैं उसको EF के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है, इलोंगेशन फैक्टर। और जो श्रृंखला की निर्मुक्ति में भाग लेते हैं उसको RF के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिलीजिंग फैक्टर। तो राइबोसोम के जो प्रोटीन्स हैं, राइबोसोम के जो फैक्टर्स हैं, ये तीन प्रकार के हो गए, इनिशिएशन फैक्टर, इलोंगेशन फैक्टर और रिलीजिंग फैक्टर। अब इन प्रोटीन की फर्दर टाइप भी हो सकती है। मान लो इनिशिएशन फैक्टर सपोज तीन तरह के हैं तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, IF1, IF2 IF3। इसी तरह मान लीजिए इलोंगेशन फैक्टर कई तरह के हो सकते हैं तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे EF1, EF2, EF3। कई बार इनकी भी सब टाइप हो सकती है, उस केस में ABCD के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे EF2A, EF2B, EF2C, EF2D। अब इसमें कन्फ्यूजन होता है कि ये IF1 जो कारक है ये प्रोकैरियोट का है या यूकैरियोट का है। तो इसको क्लैरिफाई करने के लिए क्या होगा, यदि मान लो इनिशिएशन फैक्टर यदि प्रोकैरियोट का है तो इसमें पीछे P लिखा जाएगा, P IF1। इसका मतलब ये जो इनिशिएशन फैक्टर है ये प्रोकैरियोट के राइबोसोम का है। इसी तरह मान लो ये इनिशिएशन फैक्टर यदि यूकैरियोट का हो उस केस में
छोटा ई लिखा जाएगा, ई आई एफ वन। अब इस तरह के डेजिग्नेशन से क्या है, क्लियर हो जाता है, पी आई एफ वन इट मीन्स इट इज प्रोकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर, ई आई एफ वन वन इट मीन्स इट इज यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर। तो ये एक बेसिक आइडिया है एक राइबोसोम के केमिकल कंपोजिशन के। इसके अलावा इसमें मैसेंजर आरएनए नहीं मिलेगा, इसके अंदर ट्रांसफर आरएनए नहीं मिलेगा, कुछ इसमें आयंस जरूर मिलते हैं, पर्टिकुलरली मैग्नीशियम आयन, क्योंकि राइबोसोम के असेंबली और डिसोसिएशन में मैग्नीशियम आयन का बहुत बड़ा रोल है। और जनरली ये देखा गया है कि यदि सेल में मैग्नीशियम की मात्रा यदि 2 मिलीमोल हो, उस केस में तो क्या होगा, राइबोसोम की छोटी काई और बड़ी काई आपस में जुड़ जाती है। यदि मैग्नीशियम की सांद्रता 2 मिलीमोल से ज़्यादा हो, उस केस में क्या होगा, कई बार 2 राइबोसोम 3 राइबोसोम आपस में मिल जाते हैं, 2 राइबोसोम मिल गए तो उस केस में डाइमर की फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 2 राइबोसोम की बड़ी काई, ये दोनों राइबोसोम की छोटी काई। अब इस तरह का राइबोसोम जब असेंबल हो जाता है तो इसको डाइमर बोलेंगे। इसी तरह 3 राइबोसोम जुड़ गए, वो ट्राइमर बन गया, तो राइबोसोम का पॉलीमराइजेशन हो जाता है। और डाइमर फॉर्मेशन में जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सूटेबल नहीं होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए इसका मोनोमर में होना, मोनोमेरिक फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। तो सेल में मैग्नीशियम की सांद्रता कितनी है उस पर राइबोसोम का एसोसिएशन, राइबोसोम का डिसोसिएशन डिपेंड करेगा। अब मैग्नीशियम की सांद्रता यदि 2 mm से कम हो जाए, 2 मिलीमोल से कम हो जाए, उस केस में क्या होगा, राइबोसोम की छोटी काई और बड़ी काई दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है। तो ये एक बेसिक आइडिया है इसके केमिकल कंपोजिशन की। अब क्वेश्चन है कि राइबोसोम की उत्पत्ति कैसे होती है, राइबोसोम की डेवलपमेंट कैसे होता है, राइबोसोम का बायोजेनेसिस कैसे होता है, उसमें एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपसे मैं चर्चा करूँगा। सपोज ये मान लीजिए राइबोसोम है, सॉरी डीएनए है, यहाँ पर मैं यूकैरियोट का मॉडल ले रहा हूँ, और यूकैरियोट में क्या है कि सभी गुणसूत्रों में आरआरएनए को संश्लेषित करने वाले जीन्स नहीं पाए जाते हैं, केवल उन्हीं गुणसूत्रों में आरआरएनए का सिंथेसिस होगा जिसके अंदर न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर प्रेजेंट हो। तो जनरली अपनी बॉडी में, अपने ह्यूमन के अंदर 5 क्रोमोसोम हैं, 13 नंबर 14 नंबर 15 नंबर 21 नंबर 22 नंबर, 13 14 15 21 और 22, इन 5 क्रोमोसोम में न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन पाया जाता है। और न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर का जो डीएनए होता है वो राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण करता है। तो सपोज ये मान लीजिए न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर का डीएनए है, सपोज दिस इज नॉट डीएनए। अब इस न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर के डीएनए में सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, और ट्रांसक्रिप्शन होता है तो सबसे पहले जो राइबोसोमल आरएनए बनेगा इसकी वैल्यू होती है 45S, 45S आरएनए। अब सेल में जितने भी आरएनए बनते हैं उनकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, और वो एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम उसका शिकार हो सकते हैं। इसलिए इसकी हाफ लाइफ बढ़ाने के लिए क्या होगा, इस आरएनए के 5वें सिरे पर मिथाइलेशन की घटना हो जाती है, या यूं कहें कैपिंग की घटना हो जाती है। अब आरआरएनए के 5वें सिरे पर जब मैथिल ग्रुप अटैच हो गया, अब एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से ये डाइजेस्ट हो सकता है। अब बाद में क्या होगा, मिथाइलेशन के बाद में ये 45S आरआरएनए जो है ये 2 टुकड़ों के अंदर स्प्लिट हो जाता है, जिसमें एक छोटा कंपोनेंट, ये तो कहलाता है
20S RRNA, और इसमें जो बड़ा टुकड़ा जो बनता है ये कहलाता है 35S RRNA। अब इनकी फिर फर्दर प्रोसेसिंग होगी। 20S RRNA जो है इसका थोड़ा पार्ट और डाइजेस्ट होगा और ये कन्वर्ट हो जाता है 18S RRNA में, और ये जो 35S है ये दो टुकड़ों में स्प्लिट हो जाएगा, जिसमें एक स्मॉल फ्रैगमेंट ये तो कहलाता है 5S RRNA, और इसमें जो बड़ा कंपोनेंट बनता है ये कहलाता है 28S RRNA। अब यूकेरियोट में 5.8S जो RRNA है इसका संश्लेषण साइटोप्लाज्म में होता है, उसके लिए अलग जीन है। ये न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर के जीन 5.8S RRNA का सिंथेसिस नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हो यूकेरियोट के छोटे राइबोसोम में 18S RRNA होता है, यूकेरियोट के राइबोसोम की बड़ी काई में 5S RRNA होता है, 28S RRNA होता है और 5.8S RRNA होता है। अब क्या होगा, ये RRNA प्रोटीन के साथ कपल्ड होंगे, 18S RRNA प्लस प्रोटीन। इसी तरह ये 5.8S और 28S ये प्रोटीन के साथ कपल्ड हो जाएंगे। अब 18S प्लस प्रोटीन इन दोनों की असेंबली से क्या होगा, राइबोसोम की जो छोटी काई होती है यूकेरियोट के राइबोसोम की छोटी काई जिसको 40S के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। इसी तरह 5S 28S प्लस प्रोटीन इनकी असेंबली से क्या होगा, 60S यानी राइबोसोम की जो बड़ी काई है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो राइबोसोम की छोटी काई भी बन चुकी है, राइबोसोम की बड़ी काई भी बन चुकी है, यानी 40S 60S दोनों सब यूनिट बन चुकी है। अब ये दोनों इकाइयाँ क्या होगी, मैग्नीशियम की सांद्रता यदि 2 मिलीमोल है सेल में, उस केस में राइबोसोम की छोटी काई और बड़ी काई ये दोनों आपस में मिल जाती है और 80S राइबोसोम की सिंथेसिस हो जाती है। तो लास्ट में क्या होगा, राइबोसोम की छोटी काई और राइबोसोम की बड़ी काई ये दोनों आपस मिलकर यूकेरियोट का जो राइबोसोम है जिसको 80S के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन इस असेंबली के लिए कंडीशन है कि मैग्नीशियम की सांद्रता, मैग्नीशियम आयनों की सांद्रता 2 मिलीमोल होनी चाहिए। यदि 2 मिलीमोल से कम है तो राइबोसोम का एसोसिएशन नहीं होगा। यदि मैग्नीशियम की सांद्रता 2 mm से ज़्यादा हो गई उस केस में डाइमर बन जाएंगे, तो मैग्नीशियम का कम होना सेल के लिए घातक है, मैग्नीशियम का ज़्यादा होना सेल के लिए घातक है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए तो राइबोसोम का मोनोमेरिक फॉर्म है वही ज़्यादा सूटेबल है, डाइमर फॉर्मेशन ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए उपयुक्त तो नहीं है। तो ये इस सेल स्ट्रक्चर ऑर्गेनेल का ये सेकंड पार्ट, यानी इसका केमिकल कंपोजिशन और इसकी असेंबली। अब इसका जो लास्ट पार्ट है फंक्शंस ऑफ राइबोसोम, तो राइबोसोम का मुख्य जो कार्य है वो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, वो मैं इसके बाद में आपसे मैं बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करूँगा, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस अपने आप में एक 40 पेज का टॉपिक है और उसके दो अलग से व्याख्यान, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, वो अलग व्याख्यान के माध्यम से ये मैं आपसे डिटेल में उसको शेयर करूँगा। यहाँ पर बहुत ही संक्षिप्त में मैं आपसे ये शेयर करूँगा। अब राइबोसोम का अंतिम जो पार्ट है दैट इज फंक्शंस ऑफ राइबोसोम, और अभी मैंने बताया कि राइबोसोम का जो मुख्य कार्य है वो प्रोटीन सिंथेसिस करना ही होता है, और ये राइबोसोम
प्रोकैरियोट की कोशिकाओं में तो बिखरे हुए रहते हैं क्योंकि उसके अंदर अंदर कोई एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोट में कुछ राइबोसोम अंतःपरदीय जालिका पर चिपके हुए होते हैं और कुछ राइबोसोम है वो साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र होते हैं। तो यूकैरियोट में दोनों ही तरह के राइबोसोम हैं, फ्री राइबोसोम भी हैं और बाउंडेड राइबोसोम भी है। अब बाउंडेड राइबोसोम जो होते हैं वो जनरली छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का संश्लेषण करते हैं, लेकिन जो फ्री राइबोसोम होते हैं ये लंबी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का संश्लेषण करते हैं। और प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है ये दो पदों में संपन्न होता है, इसमें फर्स्ट स्टेप ये कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन और सेकंड जो स्टेप होती है ये कहलाती है ट्रांसलेशन या अनुवादन। ट्रांसक्रिप्शन में तो क्या होगा, डीएनए से आरएनए बनता है, इसमें तीनों ही आरएनए बनेंगे। यदि डीएनए से एमआरएनए बन रहा है वो भी ट्रांसक्रिप्शन है, डीएनए से राइबोसोमल आरएनए बन रहा है वो भी ट्रांसक्रिप्शन है, डीएनए से ट्रांसफर आरएनए बन रहा है वो भी ट्रांसक्रिप्शन है। तो डीएनए से एमआरएनए बनता है इसी को ट्रांसक्रिप्शन नहीं बोलेंगे, डीएनए में तीनों ही आरएनए बनेंगे। डीएनए से एमआरएनए बन रहा है इट इज़ ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए बन रहा है ये भी ट्रांसक्रिप्शन, टीआरएनए बन रहा है ये भी ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसलेशन में क्या होगा, इसमें जो एमआरएनए होता है उससे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, क्योंकि डीएनए की जो सूचनाएँ हैं क्रिप्टोग्राम की सूचनाएँ हैं वो कोडॉन के रूप में एमआरएनए के अंदर आ जाती है, और एमआरएनए में जो कोडॉन की इन्फॉर्मेशन है ये प्रोटीन में एमिनो एसिड के रूप में शिफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए से आरएनए में आ रही है, आरएनए से प्रोटीन्स में आ रही है। तो प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो दो पदों में संपन्न होती है, एक तो ट्रांसक्रिप्शन जिसमें डीएनए से आरएनए बनेगा और एक ट्रांसलेशन जिसमें एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। अब ये दोनों ही जो स्टेप है ये फिर तीन तीन पदों के अंदर फिर सब डिवाइड होती है। ट्रांसक्रिप्शन है इसमें भी तीन स्टेप हैं, पहली स्टेप इसमें होती है चैन इनिशिएशन या श्रृंखला का प्रारंभ, सेकंड स्टेप इसमें होती है चैन इलोंगेशन या श्रृंखला का दीर्घीकरण, और तीसरी स्टेप इसमें होती है चैन टर्मिनेशन या श्रृंखला की निर्मुक्ति। इसी तरह ट्रांसलेशन का जो पद है ये भी तीन स्टेप में कंप्लीट होता है, सबसे पहली जो स्टेप है दैट इज चैन इनिशिएशन, सेकंड जो स्टेप है दैट इज चैन इलोंगेशन, और तीसरी जो स्टेप है ये कहलाती है चैन टर्मिनेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन है ये भी तीन पदों में संपन्न होगा, ट्रांसलेशन है ये भी तीन पदों में संपन्न होगा, और ये प्रक्रिया प्रोकैरियोट में अलग तरह से होती है, यूकैरियोट में अलग तरह से होती है। लेकिन प्रोकैरियोट में तो क्या होगा, सेम जीन सेम एंजाइम तीनों आरएनए का सिंथेसिस करेगा, लेकिन यूकैरियोट में अलग अलग पॉलीमरेज है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट वो राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस करता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ये मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस करता है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ये ट्रांसफर आरएनए का सिंथेसिस करता है। और प्रोकैरियोट में क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन साइमल्टेनियस है, क्योंकि वहाँ पर केंद्रक झिल्ली नहीं है, इसलिए एक तरफ डीएनए से जो जो आरएनए बनेगा, आरएनए बनते ही हाथों हाथ उसमें ट्रांसलेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन इन दोनों के बीच में टाइम इंटरवल नहीं है। लेकिन यूकैरियोट में क्या होता है कि पहले केंद्रक के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर ये आरएनए केंद्रक से साइटोप्लाज्म में शिफ्ट होता है और वहाँ पर फिर ट्रांसलेशन होता है, इसलिए यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन इन दोनों बीच में कम से कम दो घंटे का अंतराल होता है, इसलिए वहाँ पर हाफ लाइफ को बढ़ाना जरूरी है, उसके लिए मिथाइलेशन की प्रक्रिया होती है। इसके अलावा यूकैरियोट में नॉनसेंस डीएनए बहुत ज़्यादा होता है,
उस नॉनसेंस डीएनए को भी हटाना पड़ता है। वो प्रक्रिया आरएनए प्रोसेसिंग या आरएनए स्प्लिसिंग के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा उसमें पॉलीएडेनाइलेशन होता है। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मेशन की स्टेप है, लेकिन ये दोनों स्टेप काफ़ी डिटेल है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन है ये भी पूरे एक घंटे का व्याख्यान है, ट्रांसलेशन है ये भी पूरे एक घंटे का व्याख्यान है। तो इन दोनों ही एस्पेक्ट को मैं एक अलग से लेक्चर के माध्यम से वीडियो आपसे मैं शेयर करूंगा आने वाले दिनों में, और तब तक आप इस राइबोसोम का जो टॉपिक है इसको नट सेल में आप इस वीडियो को वॉच करें, अपने मित्रों को आप मोटिवेट करें, वीडियो के लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलराइज करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्यों उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और वीडियो में कोई भी कमी हो, कोई भी सुझाव हो, वो आप इनबॉक्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे प्रेषित कर सकते हैं, और आपके सारी जितनी भी क्वेरीज हैं उनका समाधान किया जाएगा, उन पर विचार किया जाएगा। और इसी के साथ मैं अंत में हमारे महाविद्यालय की तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से आई एम हाईली थैंकफुल टू यू, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।